ऐसे नहीं मानेगी। जो यौवन और सुंदरता तुझे तड़पा रही है, मैं उस सुंदरता को ही समाप्त कर देता हूं। शुरू रखा, ये सब क्या है? तुम्हारी नाक पर घाव कैसा? मेरी नाक कट गई लंकेश्वर, और कहते हैं कि भाई के होते अगर बहन की नाक कट जाए तो भाई की नाक कहाँ रह गई? स्पष्ट बोलो शूर्पणखा, तुम्हारी नाक किसने काटी? उसी ने जिसने मेरे भाइयों खर और दूषण को मार डाला। खर और दूषण मारे गए? असंभव। कौन है वो? एक मानव। एक मानव? एक मानव ने महापराक्रमी खर और दूषण की हत्या कर दी? हम विश्वास नहीं करते। वो अलौकिक मानव दिखाई देता है भैया, उसके साथ उसका छोटा भाई भी है और एक स्त्री भी। स्त्री? हाँ भैया, वो स्त्री इतनी सुंदर है कि कोई अप्सरा भी उससे अधिक सुंदर ना होगी। मैंने कहा मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, परंतु उन्हें तो आपका नाम भी नहीं मालूम। बोले कौन रावण? शूर्पणखा, अब हम लेंगे तुम्हारे अपमान का बदला। हम लेंगे अपने दोनों भाई खर और दूषण की मृत्यु का बदला, और ऐसा बदला लेंगे कि वो सारा जीवन धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे। धनुष और बाण उठाना भूल जाएंगे और स्त्री के वह में आंसू बहाते रहेंगे। अब तुम देखना दशानन रावण का प्रतिशोध। अब क्यों हंसी के ठहाके लगा रहे हो शनिदेव? इस काल कोठरी की घुटन में तुमने क्या पा लिया? संकेत, स्पष्ट संकेत अपनी मुक्ति के। मुक्ति और इस कारावास से। अपनी कल्पना के अश्रु दौड़ाना बंद करो शनिदेव, इस कारावास से तुम्हारी मुक्ति असंभव है। असंभव को संभव करने आ गए हैं प्रभु श्री राम। रावण, अब तेरा ये भ्रम बस टूटा ही टूटा। तुम क्या उस वनवासी राजकुमार की बात कर रहे हो? हाँ, वही वनवासी राजकुमार जिसने तुम्हारी बहन शूर्पणखा का अपमान करके तुम्हारी नाक काट दी। शनिदेव, अपने आप को त्रिलोकपति बोलते हो ना? हाँ, जाओ जाकर अपने अपमान का प्रतिशोध लो। जाओ जाकर युद्ध करो श्री राम से और दिखाओ अपना सामर्थ्य। अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए क्या मैं उस तुच्छ वनवासी से युद्ध करूं? कभी नहीं। हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि अपनी मृत्यु के भय से तुम भयभीत हो? मृत्यु और रावण की, रावण अजय है, तुम नहीं जानते क्या? अर्थात तुम अपमान का कड़वा घूंट पी लोगे, अपनी बहन के नाक काटने वाले से प्रतिशोध नहीं लोगे? लूंगा, अवश्य लूंगा, और ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि राम की नाक कट जाए और वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दे। शनिदेव, अब तुम देखना मेरा प्रतिशोध। राम की स्त्री सीता उसके साथ है ना? नारायण नारायण। हे महादेव, आपका भक्त तो छल कपट का प्रयोग करने जा रहा है। ये सब तो भगवान विष्णु की माया का प्रभाव है देवर्षि। नारायण
नारायण जगत नियंता के पार्षद के अहंकार की कर्म गति का चौथा चरण आरंभ होने जा रहा है क्या? इसलिए प्रभु देवर्षि, माया का प्रभाव रावण को राम की ओर लिए जा रहा है। अब मुझे महामाया लक्ष्मी स्वरूपा सीता की सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। अग्निदेव, कहाँ खोए हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? लीला प्रसार का समय आ गया है सीते, आपको अपने शक्ति रूप में मुझ में समाना होगा और मायावी सीता के रूप में मेरी पत्नी बनकर माया के इस खेल में मेरा सहयोग देना होगा। वो कैसे प्रभु? वो देखो, प्रणाम श्री राम, प्रणाम महामाया, शक्ति स्वरूपा माता सीता, प्रणाम। मैं त्रिदेवों की इच्छा से उपस्थित हुआ हूं प्रभु, कृपया माता सीता की सुरक्षा हेतु इन्हें इस अग्नि में विलीन होने की आज्ञा दीजिए। सीते, अग्नि प्रवेश करो। मामाश्री, कहीं ये वही धनुधारी तो नहीं है? मामाश्री, हां दशानंद, ये वही वीर है जिन्होंने तारका मौसी जैसी मायावी यक्षिणी का वध किया और जिन्होंने खर और दूषण को मृत्यु की गोद में सुला दिया, वो श्री राम है और वो श्री लक्ष्मण। मामाश्री, दुष्टों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो केवल राम है और वो लक्ष्मण, श्री राम और श्री लक्ष्मण नहीं। मैंने जैसा आपको कहा है वैसा ही कीजिए, मैं विमान नीचे उतारता हूं। जाओ,
और मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। सीते, तुम्हें स्मरण है हमें अयोध्या छोड़े कितने वर्ष बीत गए? मेरी अयोध्या तो जहां मेरे स्वामी हैं वहीं है। मैं तो कभी अयोध्या से बाहर आई ही नहीं। स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर मृग है, जैसे सोने का बना हो। मैया ठीक कह रही हैं, भैया ऐसा सुंदर मृग तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। प्रकृति का चमत्कार है ये। स्वामी, मुझे ये मृग चाहिए, इसे पकड़ लीजिए। जब हम अयोध्या लौटेंगे तो इसे अपने साथ ले जाएंगे और अपने उपवन की शोभा बढ़ाएंगे। नहीं सीते, ये विचित्र प्राणी अपने निश्चित वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। तो हम इसके लिए अनुकूल वातावरण बना देंगे ना? और अगर वो जीवित ना रह सका तो उसके चर्म का आसन बनाएंगे। आप जाकर पकड़िए तो सही उसे। वो पकड़ा नहीं जा सकेगा देवी। आप प्रयास तो कीजिए, मुझे ये मृग चाहिए, जीवित अथवा मृत। हट ना करो देवी, ये वन है, यहां मायावी राक्षस निवास करते हैं, ये उनका छल भी तो हो सकता है। छल हो भी तो क्या आप छल से भयभीत हो जाएंगे? वीरों के समक्ष किसी का छल नहीं चल पाता स्वामी। जाइए, अपना धनुष उठाइए और उस मृग को पकड़कर मेरे पास ले आइए। वो भाग जाएगा स्वामी। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो। लक्ष्मण। भैया, मैं जाऊं? भैया, मैं पकड़ लाता हूं उस मृग को। नहीं लक्ष्मण, यह वन क्षेत्र तरह तरह के दुष्ट राक्षसों से भरा पड़ा है। जब तक मैं वन से ना लौटूं, तुम आश्रम से दूर मत जाना। जो आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु क प्रगटई कबहु छिपाई। प्रगटत दुरत
करत छल भूरी। सुन रहे हो? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ भैया, किंतु ये पुकार भैया की प्रतीत नहीं हो रही, ये कोई मायावी ध्वनि है। लक्ष्मण! नहीं नहीं, ये तो प्रभु की ही पुकार है। तुम जाओ लक्ष्मण, तुम जाओ। भैया, मुझे तो आपकी रक्षा में रहने का आदेश है। किंतु वो संकट में है। लक्ष्मण! सुना तुमने? सुना? ये उन्हीं की आवाज है लक्ष्मण, ये उन्हीं की आवाज है। नहीं मैया, मैंने ध्यान से सुना है, ये भैया की पुकार नहीं है। आप विचलित ना होइए। विचलित तो तुम्हारी बुद्धि हो गई है। मैया, आप ये क्यों भूल रही हैं? प्रभु राम तो सबका संकट दूर करने वाले हैं। अरे उन पर भला संकट कैसे आ सकता है? तुम बातें बनाकर समय नष्ट कर रहे हो। क्यों क्यों तुम्हें तुम्हारे अग्रज की कोई चिंता नहीं है? मैया, मुझे तो आपकी चिंता है। मत कहो मुझे मैया, तुम्हारा मन अपने भाई की चिंता छोड़कर मेरी चिंता क्यों कर रहा है? अवश्य ही तुम्हारे मन में कुछ और है। मैया, मैया, ये आप क्या कह रही हैं? ये क्या कह रही हैं मैया? तो फिर तुम जाते क्यों नहीं अपने भाई की सहायता करने? यहाँ शांत खड़े खड़े मेरी ओर क्या देख रहे हो? मुझे मुझे तुम्हारी आंखों में अपने भाई के लिए वो तड़प क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्यों क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर जाना ही नहीं चाहते? तुम चाहते हो तुम्हारे भैया कभी भी संकट से मुक्त ना हो, वो कभी भी लौट कर ना आए, और तुम भैया, भैया बस बस, ये आप नहीं बोल रही हैं, विधि का लेख आपकी वाणी बन गया है। नहीं चाहती है कि इस समय मैं आश्रम में रहूं। अवश्य अवश्य कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, जिसे ना तो मैं रोक सकता हूं ना प्रभु श्री राम। आपका हठपूर्ण आदेश स्वीकार करके मैं जाता हूं, परंतु मैया, इस निर्जन स्थान पर आप अकेली हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए इस आश्रम के चारों ओर मैं एक सीमा रेखा खींच देता हूं। मेरी साधना की, मेरी तपस्या की, मेरी निष्ठा की, मेरी भ्रातृ प्रेम की, प्रभु की दासता की अभिमंत्रित रेखा है। यह हर अनिष्ट से आपकी रक्षा करेगी। आप केवल इस सीमा रेखा से बाहर मत आइएगा। जो भी आपके अहित के लिए इस सीमा रेखा का उल्लंघन करके अंदर आने का प्रयास करेगा, वो भस्म हो जाएगा। मैया,
आप सीमा रेखा से बाहर मत आइएगा, ये मेरी आपसे विनती है।